दोस्तों, ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रहा है, इसी बिल्डिंग में मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला रहती है। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को दिखाने वाले हैं हिंदी फिल्म की मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला के घर को, जिन्होंने संजू, कच्चे धागे, सौदागर जैसे काफ़ी सारे शानदार फिल्मों में काम की है। वो आखिरकार मुंबई में कहाँ पे रहती है, उनका घर मुंबई में कहाँ पर है, कैसा है, किस लोकेशन पे है, वो जिस घर में रहती है उस घर का क्या प्राइस है, ये सब कुछ बताऊँगा। साथ ही मनीषा कोइराला के बारे में पूरा जानकारी दूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ से हल्का सा ही आगे चलेंगे तो मनीषा कोइराला के घर को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए उनके घर के पास पहुँचते हैं और उनके घर को दिखाते हैं, साथ ही उनके बारे में पूरा बैकग्राफी भी बताते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मनीषा कोइराला के घर के पास आने के लिए सबसे पहले वर्सोवा यारी रोड से आएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं श्री गणेश साईं मंदिर चौक के पास आप आएंगे। और दोस्तों, ये जो लास्ट बस स्टॉप है ना, वो यहाँ पे हल्का सा आगे आएंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ठीक मस्जिद भी देखने को मिलेगा। और यहीं से पास में ये है श्री गणेश साईं मंदिर चौक। और दोस्तों, यहाँ से ये जो रास्ता आप लोगों को दिख रहा है, इसी रास्ते से बस अब हल्का सा आगे चलेंगे तो वहाँ पर मनीषा कोइराला का घर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वहाँ पर नज़दीक में चलते हैं और वहाँ पे से वीडियो आप लोगों को अच्छे से शूट करके दिखाते हैं और साथ ही उनके बारे में पूरा जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, फाइनली इसी रास्ते से आए हैं अभी और यहाँ से सीधा महज 200 मीटर की दूरी पे है। और ये जो बिल्डिंग आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बीच वोड टावर। और दोस्तों, यहाँ पे मेन गेट है, आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर में काफ़ी सारा गाड़ी भी है और वहाँ पर देख सकते हैं गार्ड भी बैठे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ से इस बिल्डिंग को दिखाया तो देखिए इसी बिल्डिंग में मनीषा कोइराला रहती है। और दोस्तों, इस बिल्डिंग को ऊपर तक दिखाया तो देखिए कितना शानदार ये पूरा बिल्डिंग है। और दोस्तों, इस बिल्डिंग के हल्का सा ही आगे जाएंगे ना तो वहाँ पे इस घर का सेकेंड गेट भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से पास में ही दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी घर है। तो दोस्तों, चलिए अब हम आप लोगों को मनीषा कोइराला के बारे में पूरी जानकारी भी आप लोगों को दे देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, मनीषा कोइराला जो है वो मुख्य रूप से नेपाल की रहने वाली है। और दोस्तों, उनका जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल में ही हुआ था। और दोस्तों, वो हिंदी फिल्म की काफ़ी मशहूर अभिनेत्री है। और दोस्तों, साथ ही इसके वो हिंदी फिल्मों के अलावा वो तमिल, नेपाली और अंग्रेजी फिल्मों में भी वो काम कर चुकी है। और दोस्तों, आपको बता दें, मनीषा कोइराला जो है वो हिंदी फिल्मों में काफ़ी सारा शानदार फिल्में दी है, जैसे कि इंडियन, गुप्त, कच्चे धागे, संजू जैसे उन्होंने काफ़ी सारे शानदार फिल्में दी है। और दोस्तों, वो इसी बिल्डिंग में रहती है जो कि मुंबई के वर्सोवा में स्थित है। दोस्तों, आपको बता दें, मनीषा कोइराला जो है वो एक व्यावसायिक और स्वतंत्र सिनेमा दोनों में अपना काम के लिए जानी जाती है। और दोस्तों, यहाँ पे जो मनीषा कोइराला का जो ये घर है, इस घर के पास में दोस्तों आने के लिए आपको तो इस रास्ता से, इधर से हम आपको दिखाए ही थे जो यहाँ से आने वाला है, यहाँ पे मेन गेट है जहाँ पे गार्ड भी बैठे रहते हैं। और दोस्तों, यहीं से आप लोग आएंगे ना तो मनीषा कोइराला का घर आपको सबसे पहले ये देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद दोस्तों ये जो रास्ता आप लोगों को इस तरफ दिख रहा है, इस तरफ यहीं से हल्का सा आगे जाएंगे तो दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी घर देखने को इसी रास्ते से आगे जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जो दो रास्ता दिख रहा है, यही दोनों रास्ते से जाएंगे फिर भी उनका घर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, चलिए अब मनीषा कोइराला के बारे में कुछ बताएं। तो दोस्तों, मनीषा कोइराला राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित कोइराला परिवार में जन्मी है और प्रकाश कोइराला की बेटी है। और दोस्तों, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वेश्वर प्रसाद की वो पोती है, जो कि दोस्तों वो नेपाल से है। और दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में ये रहती है। और दोस्तों, वो अभिनय की शुरुआत सबसे पहले नेपाली फिल्म भेटौला से किया था, जो कि 1979 में आई थी। और दोस्तों, हिंदी में वे सबसे पहले नाटक सौदागर में अभिनय की शुरुआत की थी। और दोस्तों, चलिए अब हम वहाँ पे सेकेंड गेट दिख रहा है तो सेकेंड गेट के पास पहुँचते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं और फिर मनीषा कोइराला के बारे में और भी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनीषा कोइराला के घर के सेकेंड गेट के पास। और यहाँ पे देख सकते हैं अंदर में काफ़ी सारा फोर व्हीलर लगा हुआ है और गार्ड रूम भी बनाया गया है। और दोस्तों, आपको बता दें, मनीषा कोइराला जो है बीच में उन्हें काफ़ी सारा असफलताओं का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन बाद में दोस्तों उन्होंने रोमांटिक ड्रामा एलेन स्टोरी और तमिल भाषा की बॉम्बे के साथ वो प्रमुख अभिनेत्री के रूप में वो दोस्तों उभर कर बाहर आई। और दोस्तों, उसके बाद उन्होंने एक से
बढ़कर एक मूवी में काम की। तो दोस्तों यही है उनका घर और जहाँ पे वो रहती है। और दोस्तों आपको बता दें मनीषा कोइराला के पास करीबन 85 करोड़ का नेटवर्क यानी कि संपत्ति है और उनके पास BMW मर्सिडीज और फॉर्चूनर जैसा गाड़ी भी मौजूद है। तो दोस्तों यही रहा दोस्तों मनीषा कोइराला का घर का वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।